दिल्ली में 3 दिवसीय धरना संसद घेरने का प्लान है जी, तो एटक दिल्ली इकाई की तरफ से क्या योजना बनाई गई है? दिल्ली इकाई की एटक की तरफ से योजना बनाई गई कि हर जिले के जो भी मजदूर साथी हैं उनको सबको लेकर के 11 तारीख को हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक हम लोग हमारा दिल्ली प्रदेश का धरना होगा। इसमें आपकी तरफ से किस तरह लोगों को इकट्ठा किया जाएगा? हमारी तरफ से हमने हैंडबिल दिए हैं, गेट मीटिंगें कर रहे हैं हम लोग, एरिया वाइज मीटिंगें कर रहे हैं और उसके बाद में बस के द्वारा हम लोग उसमें उस पर जंतर मंतर पर जाएंगे। जैसा कि इस पर जंतर मंतर बिल्कुल बंद है, एनजीटी के आदेश के बाद वहाँ बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया, तो ये धरना कौन सी जगह पे होगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हम लोग वहाँ से निकलेंगे, उससे पार्लियामेंट तक जाएंगे। हमारा उसमें करके एक बार पार्लियामेंट तक, पार्लियामेंट का घेराव करने का उद्देश्य है, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री तक वहाँ पर संदेश भेजने का उसमें वो है। और वो जबरदस्त तरीके से जो हम विरोध कर रहे हैं वो लेबर लॉ के अंदर जो उसमें छूट दे रहे हैं उनका हम लोग, क्योंकि आपका 3 दिवसीय धरना, तो कोई जगह चाहिए, कोई पड़ाव चाहिए। हमारे को जहाँ भी हमारे जो साथी आ रहे हैं जितने ऑल इंडिया लेवल पर उसमें हैं, 11 ट्रेड यूनियन उसमें कर रहे हैं, हम लोग आएंगे और पुलिस जहाँ रोकेगी वहाँ हम लोग रुकने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। अभी तक कोई जगह डिसाइड, कोई जगह निश्चित नहीं है? नहीं, डिसाइड हम लोग रामलीला मैदान नहीं जाएंगे, ना ही हम दूसरी जगह उसमें जाएंगे। हम लोग पार्लियामेंट के लिए मार्च करेंगे, अगर पुलिस अरेस्ट करेगी तो हम गिरफ्तारी देंगे। आखिर ये धरना क्यों दे रहे हैं? धरना दे रहे हैं इसलिए कि जो मोदी सरकार है उसमें जो लेबर लॉ हैं उनको काफ़ी भी कमज़ोर कर रहे हैं, उनके लिए जो पुराने बने हुए जो जो ट्रेड यूनियनों ने लड़ करके जो उसमें बनाए थे, कानून बनाए थे, उनको सबको ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं, जो मजदूरों के साथ धोखा है। ऐसा क्या कानून में उन्होंने खात्मा कर रहे हैं, कानून को क्यों ऐसे सीमित कर रहे हैं, क्या ऐसा चीज़ है उसमें? देखिए जो अभी तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन 25N के तहत जो था, जिस कंपनी के अंदर 100 आदमी काम करते हैं, कोई भी सरकार की अनुमति के बिना वर्कर की छट्टी नहीं कर सकते थे, लेकिन मोदी सरकार ने अभी उसकी जगह संख्या 100 से बढ़ा करके 300 कर दिए और 300 तक मजदूरों को छूट दे दिए, कारखाना मालिकों को छूट दे दिए कि मजदूरों को कभी भी निकाल सकते हैं। इससे नुकसान क्या श्रमिकों को? एक तो नुकसान है कि यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी, इसके साथ ही साथ में कोई पाबंदी नहीं रहेगी, और दूसरी बात लेबर लॉ खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद में अभी महीने से तनख्वाह मिलती है, अभी मोदी सरकार घंटे के हिसाब से तनख्वाह देने की कोशिश कर रही है। क्या ऐसा नहीं लगता कि पहले से शोषित श्रमिक और भी शोषित हो जाएंगे? देखिए अभी जहाँ तक अभी तक बेरोजगारी का सवाल था, अभी 50 लाख से ज़्यादा दिल्ली के अंदर अभी जो है लोग बेरोजगार हो गए पहले ही GST के उसमें चक्कर में, और उसके बाद में आगे अगर ये कानून आ गया तो किसी भी मजदूर का भविष्य नहीं है कि सुबह रोटी लेकर के गया शाम तक वो नौकरी पर रहे। सरकार अस्तित्व में आने से श्रमिक वर्ग के लिए क्या आश्वासन दिया था? सरकार के आश्वासन जब उसमें दिया था कि भाई हम कानूनों का पालन करेंगे, श्रम कानूनों का पालन करेंगे, मजदूरों की रक्षा करेंगे, वो वायदे खिलाफी कर रही है। 3 साल पूरे होने के बाद केंद्र सरकार श्रमिकों के प्रति उनका रवैया क्या है? बहुत ही गलत है। होना क्या चाहिए? होना चाहिए कि जो कानून जो बने हुए हैं अभी तक, जो पुराने कानून बने हुए हैं, उस कानून को और सख्ती से लागू किया जाए, ना कि उसमें बदलाव किया जाए। और अभी फिलहाल श्रमिक हित में कितने कानून हैं और सरकार उस पर क्या करके? अभी श्रमिक हित के अंदर जो है एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के साथ में 52 कानून लगते हैं, जिसमें कई कई सारे कानून हैं जो उसके अंदर वर्तों के सुरक्षित होते हैं। इनको कम समय में लागू करने के लिए हमारी मांग थी, कम समय लगे, वर्करों को जल्दी न्याय मिले, इसकी मांग थी, लेकिन सरकार ने इसका उल्टा कर दिया। उन सबको 48 कानून को खत्म करके एक कानून बना रहे हैं। बीजेपी सरकार इस कानून को लागू कर दे तो श्रमिकों पर किस तरह का अत्याचार शुरू हो जाएगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, वर्कर का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा, SIPF के बेनिफिट जो है, सोशल सिक्योरिटी है, उससे वायलेशन होगा, वो नहीं मिलेगा। दिल्ली समेत पूरे भारत में 12 फेडरेशन कहे जाते हैं और सैकड़ों यूनियन हैं जी, वो किस कदर श्रमिकों के हित में काम कर रही है? हम लोग जो अभी उसमें काम कर रहे हैं, जो सेंट्रलाइज लेवल पर काम करते हैं, एटक एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन है और सबसे देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, और इसकी अगुवाई में ही सारे जितने भी ट्रेड यूनियन है वो सभी अगुवाई के अंदर उसमें काम कर रहे हैं, एटक की अगुवाई। एटक दिल्ली इकाई किस तरह से तत्पर होगी और किस तरह सक्रिय होगी 3 दिन के आंदोलन में? 3 दिन के अंदर जो सक्रिय हम लोग हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं, उनको हम रेलवे स्टेशन से, बस अड्डों से लेकर के अपने वहाँ धरना प्रदर्शन जहाँ होगा वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। उसके साथ ही हम अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली प्रदेश से लोगों को इकट्ठा करने के प्रयास कर रहे हैं।